तकलीफ है ना। 45 प्लस की कैटेगरी में आज ये मैराथन कंप्लीट की है। हम धन्यवाद देते हैं नाड़ा का प्रशासन को जिन्होंने से नो टू ड्रग्स का जो मैसेज है कन्वे करने के लिए ये मैराथन करवाई है। इसमें नालागढ़ प्रशासन में SDM नालागढ़ श्री प्रशांत देष्टा जी, मैडम तहसीलदार और सारे प्रशासन, स्कूल के बच्चों, स्कूल के अभिभावक और स्कूल के प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें विभिन्न कॉलेजेस, स्कूलों से और समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों ने हिस्सा लिया है। इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई थी जिसमें 45 प्लस थी, 30-45 थी, अंडर 19 और 19 प्लस, जिसमें लगभग 700-800 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और ऐसी मुहिम जो समाज को कुरीतियों से दूर करने के लिए चलाई जाती है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम प्रशासन को बधाई भी देते हैं और ये आग्रह करते हैं कि इस तरह की कोई भी मुहिम आइंदा भी चलाई जाए। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? पापा। वो स्कूल नालागढ़ अच्छा लग रहा है सर। फर्स्ट इसका श्रेय किसको? सर अपने सर को, संजीव सर को, हमारे PET सर। कुलदीप सिंह। नालागढ़ में एक मिनी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे युवाओं में नशे के जो कुप्रभाव हैं या जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं उसके अगेंस्ट एक सिंबॉलिक मैराथन का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 970 के करीब एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन यहाँ विभिन्न स्कूलों से आए हुए जो छात्र थे और समाज के हर वर्ग से आए हुए लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इस आयोजन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो नशे की कुरीतियाँ हमारे समाज में फैल रही है उसके अगेंस्ट लोगों को अवेयर करना था और इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरह से ये समाज को खराब कर रहे हैं, ये हमारे युवाओं को खराब कर रही है, तो उसके अगेंस्ट एक आयोजन किया गया था जो कि काफ़ी सफल रहा। मेरे हिसाब से कोई भी शारीरिक बाधा हमें अच्छे काम को करने से नहीं रोक सकती है जब तक कि हम उस काम को कर सकते हो। और ये जो एक नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा नया इवेंट है जिसमें हम नशा उन्मूलन के खिलाफ एक दौड़ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और इसमें भाग लेने और दूसरों को भी हम इंस्पायर करने के लिए मैंने इसमें भाग लिया।